हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फ्रैक्शन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज फ्रैक्शन में आप पढ़ने वाले हो डिवाइड। अभी तक आपने फ्रैक्शन की दो क्लासेस कंप्लीट करी हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास में आपको मिला है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड वीडियो में आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शन में कैसे हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने अभी सब्ट्रैक्शन नहीं बताया, बट हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सेम होते हैं, बस उसमें ऐड करना होता है और उसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सीरीज़ में होता क्या है, बेसिकली अभी हम वो वाली सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें नीचे के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। लेकिन अब आज वही सेम सीरीज़ में हम लोग डिवाइड पढ़ने वाले हैं। तो डिवाइड को कैसे करना होता है, सबसे पहले ये आपका डिवाइड का साइन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो डिवाइड का साइन को हमें चेंज करना पड़ता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है। तो डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो आप एग्जांपल के थ्रू समझो। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन है 12/16, ओके। अब इसमें मुझे डिवाइड करना है 3/8, फाइन। 12/16 में मुझे 3/8 को डिवाइड करना है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका होगा वो फर्स्ट फ्रैक्शन आप सेम वैसा ही लिख दो, ठीक है। तो 16 तो मैंने इसको सेम लिख दिया, बट डिवाइड जो होगा यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया, डिवाइड के साइन को हम चेंज करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। अब जब डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज होगा तो इसमें फर्स्ट फ्रैक्शन को तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सेकंड वाला भाई बुरा मान जाएगा, सेकंड वाले फ्रैक्शन बोलने वाला है, कह रहा है भाई मेरे डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो मैं क्यों रहूँ, मैं तो चेंज होने वाला हूँ। तो 3/8 रेसिप्रोकल होगा। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो रेसिप्रोकल होता है किसी भी चीज़ को उल्टा कर देना। जैसे अब मैं 2/4 का रेसिप्रोकल करूँगी अगर, तो 2/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/2, मीन्स ऊपर का नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर देता है। तो सेम इसमें 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको मैं अलग कर देती हूँ। 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/3। इतनी बात सबको समझ में। इसके आगे सेकेंड स्टेप हम लेंगे अगर, तो अब देखो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये रेसिप्रोकल हो गया और ये सेम का सेम लिख गया। लेकिन अब इसको करना कैसे होता है, अब देखो एक तो ये सिस्टम है कि आप 12/96 और 16/3 ऐसे लिख के करो, लेकिन ये एक मेथड बहुत लंबा और लेंदी हो जाएगा, जिस जो कि टाइम कंज्यूमिंग मेथड है और जिससे आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। अब जैसे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप SSC प्रिपरेशन के लिए या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके पास वहाँ पे आपका एक एक मिनट वैल्यू जो होता है वो बहुत ही कीमती होता है, जिसमें कि आप इतना सारा कैलकुलेशन करने नहीं बैठोगे। तो उस फॉर्म में हमें इसको कैसे शॉर्टर फॉर्म में सॉल्व करना है वो देखिए। आप हमेशा रेसिप्रोकल में अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, मींस हमेशा क्रॉस फॉर्म में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे 3 का डिवाइड करना है तो 12 से कर देंगे। 3 की टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है, ठीक है। अब 8 की टेबल में 16 कितने टाइम्स में आता है, 8 का डिवाइड 16 में कर देंगे तो 2 टाइम्स में आएगा। तो इधर पे वैल्यू कितनी निकल के आई, ऊपर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 4 1 4, और नीचे की वैल्यू 2, 4/2 फ्रैक्शन में आ गया। अब चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये डिवाइड हो रही है वैल्यू 2 2 4, तो 2 आपका जो होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड चेंज करने वाले हो। आप इसको वापस से एक बार, मैं फिर से वापस से आपको पूरा बताती हूँ। डिवाइड में हम करते क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन हम सेम लिख देते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज हो रहा है इसलिए सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं, मीन्स उल्टा करते हैं। तो यहाँ 3/8 था तो यहाँ पे 8/3 होगा। अब हमेशा ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू और क्रॉस फॉर्म में एक दूसरे को हम ऐसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे आपको हमेशा जब भी देखो डिवाइड जब भी होगा वो अपर वैल्यू का लोअर वैल्यू से होगा, मीन्स ऊपर नीचे की वैल्यू से हम उसको डिवाइड करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 3 × 3, मीन्स ऐसा समझ लो 9 × 3 है तो अगल बगल में है तो हमने इससे इसको काट दिया, नो दिस इज रॉन्ग। हमेशा 9/3 का मेथड होगा, तब हम इसको 3 3 9 करेंगे, ये करेक्ट मेथड है हमारा, ठीक है। कभी भी अगल बगल अगर आप चाहो 3 और 16 को आपस में डिवाइड कर दो तो ये रॉन्ग होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, हमेशा अपॉन की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो आज आपको आई होप कि डिवाइड समझ में आया हो, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।